We now understand that this apparent motion of the sun for us, this apparent motion of the sun for us is because of the rotation of the earth on its axis from west to east. तो सन का जो अपेरेंट मोशन है हम लोग क्या देखते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. हम लोग देखते हैं ना कि सन ईस्ट से राइट देखते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट के तरफ होता है. ठीक है, फिर वी कैन ऑल्सो समटाइम्स सी मोर प्लैनेट्स. हम लोग बहुत सारे प्लैनेट भी देखते हैं, उसमें क्या क्या है, मरकरी, वेनस. ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स मरकरी और वेनस को हम लोग अर्ली मॉर्निंग में देखते हैं. दीज प्लैनेट्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड एज मॉर्निंग स्टार्स. तो मॉर्निंग में देखा जाता है तो मॉर्निंग स्टार्स बोलते हैं इसको हम लोग. दे आर सीन वेरी लो नियर द होराइजन इन द स्काई. ये जब देखोगे ना, देखोगे होराइजन जहां पे है उसके बगल में दिखता है. दे आर सीन वेरी लो नियर द होराइजन इन द स्काई. फिर देखो नाइट टाइम स्काई में हम लोगों को क्या दिखाई देता है. वी ऑल नो दैट मून अपीयर एज द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट रिकॉग्निजेबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट. मून को हम लोग देखते हैं जैसे डे टाइम में सन को देखते हैं, वैसे ही रात में मून को भी देखते हैं. इन एडिशन टू द मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई. तो इन एडिशन टू द मून हम लोग और क्या क्या देख पाते हैं, स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स एंड प्लैनेट्स. प्लैनेट्स एंड स्टार्स को भी हम लोग देखते हैं. We have learned a little bit about the planets. Previous chapter में हम लोग solar system में पढ़े हैं planets के बारे में, about 8 planets. सारे planets के characteristics ये सब हम लोग पढ़े हैं. The planet Venus is the brightest object in the sky after the sun and the moon. तो night sky में हम लोग moon के अलावा और क्या क्या brightest दिखाई देता है, Venus दिखाई देता है. ठीक है, वेनस इज नॉट ओनली द प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न आर द अदर प्लैनेट्स दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद अनएडेड आई. मतलब बिना टेलीस्कोप के भी हम लोग देख पाएंगे. ठीक है, अगर हम लोग को लोकेशन पता रहेगा, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सब दिखाई देता है, वेनस तो दिखाई देता ही इवनिंग में. The rest of the planets are very faint and can be seen only with the help of powerful telescope. So rest of the planet ko bahut hi ekdam faint dikhai deta hai, lekin agar powerful telescope se hum log dekhenge to dikhai dega. Theek hai, do you know, main dekho, the planet Saturn was the first planet discovered by using a telescope. सैटर्न एक फर्स्ट प्लैनेट है जो डिस्कवर टेलीस्कोप से ही हुआ था. अचानक से टेलीस्कोप से देखते देखते सैटर्न मिल गया और वो फर्स्ट प्लैनेट है जो यूजिंग अ टेलीस्कोप हम लोग डिस्कवर किए. ठीक है, ओके, इतना तक सबको समझ में आया? अनम्यूट कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए. Any problem? No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay. I will continue. No, ma'am. अच्छा, फिर देखिए, do you know में और क्या दिया हुआ है कि our sun shines with a yellowish white light. तो sun कैसे, sun जब चमकता है तो yellow color का येलोइश व्हाइट कलर का दिखता है. ठीक है, ऑल द अदर स्टार्स हाउएवर नॉट येलोइश व्हाइट. तो और कोई भी स्टार्स येलोइश व्हाइट नहीं दिखता है. स्टार्स वेरी इन साइज, ब्राइटनेस, टेम्परेचर एंड कलर. तो
सन का जो ये है स्टार्स वैरी करता है साइज में, ब्राइटनेस में, टेम्परेचर एंड कलर में. आप लोग पहले ही पढ़े होंगे कि अलग प्लैनेट का भी साइजेस अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक, और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है, और द हॉटेस्ट स्टार्स शाइन विद अ व्हाइटिश ब्लू लाइट. जो हॉटेस्ट होता है वो व्हाइटिश ब्लू लाइट देता है. ठीक है, जैसे वेनस, वेनस सबसे हॉटेस्ट था ये, ठीक, लेकिन वेनस क्या है, प्लैनेट है. यहाँ पे स्टार्स भी बोला जा रहा है, द हॉटेस्ट स्टार्स शाइन विद अ व्हाइटिश ब्लू लाइट. ओके, क्या हुआ रिया रंजन, हैंड रेज क्यों किए हो, अनम्यूट करते हैं, बताओ कुछ प्रॉब्लम है. मैम यहाँ पर रिकॉग्निजिबल, मैम नाइट टाइम स्काई के फर्स्ट पैराग्राफ में मैम यहाँ पर आर्ट से कुछ लिखा हुआ है मैम, तो वो मैम उसका मतलब क्या हुआ? हाँ, रिकॉग्निजिबल मतलब पहचानना, मोस्ट रिकॉग्निजिबल ऑब्जेक्ट, आसानी से पहचान जाते हैं हम लोग देख के. जैसे मून को हम लोग देख के पहचान जाते हैं ना कि ये मून है, सबसे ब्राइटेस्ट है, वैसे ही रिकॉग्निजिबल ऑब्जेक्ट बहुत सारे दिखते हैं. जैसे वेनस को भी पता चल जाता है, जब शाम होने लगता है तब वेनस को देख के पता चल जाता है कि ये वेनस है, सबसे ज्यादा चमकता है वो. ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है मोस्ट रिकॉग्निजिबल ऑब्जेक्ट. ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. फिर उसके बाद नाइट टाइम स्काई के बाद देखो, स्क्रीन शेयर करते हैं, और एक पेज नंबर 125, पेज नंबर 125 ओपन करो. उसमें देखो स्टार्स के बारे में दिया हुआ है. हाँ, अब देखो, वी ऑल नो दैट देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन आर स्काई. हम लोग देखे हैं कि बहुत लार्ज, जब रात में देखोगे देखोगे बहुत सारा स्टार्स से भरा हुआ है. गिनना भी तो गिन नहीं पाओगे, काउंट नहीं कर पाओगे. दीज आर ह्यूज स्फीयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन. तो ये किससे बना हुआ है, हॉट गैसेस से बना हुआ है, और अपना लाइट उसके पास है. तो दीज आर ह्यूज स्फीयर्स, बड़ा सा ये स्पेयर्स है ऑफ वेरी हॉट गैसेस, हॉट गैसेस से बना हुआ है, एंड उन लोगों के पास अपना लाइट रहता है, हैविंग लाइट ऑफ देयर ओन. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार. सन को जो बोलते हैं ना कि ये सन है, इतना चमकता है, तो सन भी एक क्या है, स्टार है. इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ. तो ये कहाँ पे ये स्टार है, एकदम अर्थ के पास में ही, नियरेस्ट में है. लेकिन और भी बहुत सारे स्टार्स है जो बहुत दूर में है और सन से भी ज्यादा ब्राइटेस्ट है. ठीक है, इट मे कम एज सरप्राइज टू यू बट इट्स ब्राइटनेस इज लेस देन दैट ऑफ मेनी स्टार्स. सन को देख के हमको कैसे लगता है कि इतना तेज है, इतना लाइट है ना, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा लाइट और ब्राइटनेस और एक स्टार्स का भी हो सकता है, मेनी स्टार्स का भी हो सकता है. ब्राइटनेस है, अगर पूरे गैलेक्सी में देखोगे तो स्टार का एवरेज ब्राइटनेस है, स्टार से, सन से भी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस का स्टार्स तुमको दिखाई देगा. लेकिन उनके बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं, इसको हम लोग एवरी डे देखते हैं सन को. ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम अस. मिलियन ऑफ टाइम्स दूर में है फ्रॉम अस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस. अब तुम लोग जानते ही हो किलोमीटर से ये डिस्टेंस आप लोग नाप नहीं सकते हैं, किलोमीटर से हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं ये डिस्टेंस जो स्टार प्लैनेट के बीच में है. ये हम लोग लाइट ईयर्स से मापते हैं, ये सोलर सिस्टम पढ़ाते वक्त ही हम बोले थे. ठीक है, लाइट ईयर्स, मिलियन ईयर्स, टाइम्स, ऐसे नापा जाता है. इट इज फॉर दिस रीजन दैट सन अपीयर्स लाइक अ बॉल टू अस. सन कैसे दिखने में लगता है, बॉल जैसे दिखने में लगता है, एक बड़ा सा बॉल जो लाइट जल रहा है उसमें. बट द अदर स्टार्स अपीयर ओनली एज पॉइंट और डॉट्स.
अदर स्टार्स को दिखने में कैसे लगता है? एक डॉट जैसा लगता है, बहुत सारा डॉट ऐसे चमक रहा है स्काई में, नाइट स्काई में. स्टार्स अपीयर्स एज डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई. स्टार अपीयर एज डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई. स्टार्स देखने में कैसे लगता है? एकदम छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर और डिम पॉइंट जैसे लगता है. दिस इज ड्यू टू देयर वेरी लार्ज डिस्टेंस. अब तुम बताओगे कि अगर सन का लाइट इतना, अगर स्टार्स का लाइट इतना ब्राइट है तो मैम इतना फेंट क्यों दिखाई देता है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ड्यू टू देयर वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस. अर्थ से इन लोगों का जो डिस्टेंस है बहुत डिस्टेंस है वो, ठीक है. दे डू नॉट डिसअपीयर ड्यूरिंग डे टाइम. और फिर क्या होता है, रात जब हो जाता है, जब सुबह आ जाता है, तब क्या होता है, सारा लगता है कि सारा स्टार कहीं पे गायब हो गए. लेकिन गायब तो नहीं होता है, तो कहाँ पे जाता है? दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई. वो लोग प्रेजेंट रहते हैं स्काई में ऑल द टाइम. हाउएवर दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू सन्स ब्राइटनेस. क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सन का इतना ब्राइटनेस है कि अदर लाइट ही, अदर स्टार्स दिखाई नहीं देते, ठीक है. तो ये वाला अच्छे से समझ लोगे कि स्टार्स अपीयर्स एट डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई. व्हाई? बिकॉज़ ड्यू टू देयर वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस. स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है हम लोग के अर्थ से, ठीक है. और फिर जब सुबह हो जाता है तो स्टार कहाँ गायब हो जाता है? तो किस लिए हो जाता है? क्योंकि दे आर प्रेजेंट वहां पे रहता है, दे आर प्रेजेंट इन देयर इन द स्काई, बट दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम. वो लोग डे टाइम में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ड्यू टू द सन ब्राइटनेस, ठीक है. सन के ब्राइटनेस के वजह से हम लोगों को नहीं दिखाई देता है. ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? आदर्श राज, अनम्यूट योरसेल्फ. कोई प्रॉब्लम है? आदर्श राज, अनम्यूट योरसेल्फ. कोई प्रॉब्लम है बेटा? यस मैम. कोई प्रॉब्लम है? जहां तक हम पढ़ाए हैं समझे हो? देखो हम पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम है. इतना तक समझ में आया सबको? मैम हेलो. यस इतना तक no, समझ में आया ना? ओके, हम कंटिन्यू करते हैं फिर. उसके बाद देखो कंस्टिलेशन. स्टार्स तो हो गया, अब कंस्टिलेशन. कंस्टिलेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि तुम लोग अगर केयरफुली रात में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे रात में स्काई को, तो कुछ पैटर्न नजर दिखाई देगा, ठीक है. स्टार से बना हुआ पैटर्न नजर दिखाई देगा. जैसे तुम क्या देखोगे कि सम ऑफ द स्टार्स अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ पैटर्न. कुछ कुछ स्टार को तुम ऐसे इमेजिनरी लाइन से जोड़ोगे तो पता चलेगा कि ये रैबिट जैसे लग रहा है, ये लग रहा है कोई तीर धनुष लेके खड़ा कोई मैन खड़ा हुआ है, ऐसे लगेगा, ठीक है. And such a group of stars is known as constellation. ये ऐसे pattern बनाने वाले stars को क्या बोला जाता है? Constellation. Okay? तो constellation का अगर definition पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या बोलोगे कि constellation is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. तो constellation क्या होता है? एक group of stars होता है that appear to form some recognizable pattern. तो उसको अगर तुम imaginary line से जोड़ोगे, एक एक stars को, dotted line को, तो क्या होगा? वो एक pattern बनाएगा. तो इसको क्या बोला जाता है? Constellation. ठीक है? अब do you know में देखो. Ancient people devised the concept of constellation so that they would be able to recognize and label some of stars in the sky. This was important for them as they are dependent on these stars to find direction and to measure time. So,
उस समय में क्या होता था, बहुत प्राचीन काल में पीपल लोग क्या करते थे, किसी एक स्टार्स को देख के पहचान जाते थे कि ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, चारों डायरेक्शन को पता चल जाता था, वो लोग देख के पता कर लेते थे, ठीक है। और ऐसे ही कोई कंस्टिलेशन को वो लोग रिकॉग्नाइज करके लेबल कर लेते थे कि हाँ ये वाले साइड ये है ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे करके डायरेक्शन पता कर लेते थे। और कौन से सीजन में ये आता है कंस्टिलेशन वो भी पता कर लेते थे कि ये कौन सा सीजन है, इस टाइम में ये वाला कंस्टिलेशन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और टाइम भी मेजर कर लेते थे कि हाँ अभी 8 बज रहा है, अभी 9 PM हो रहा है, ये भी पता चल जाता था, ठीक है। वी कैन इजीली रिकॉग्नाइज सम कंस्टिलेशन इन द स्काई, हम लोग भी पहचान सकते हैं अगर अच्छे से देखोगे तो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिलेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम लोग अगर देखोगे नाइट स्काई में तो दिखाई देगा, विच वी कैन सी ड्यूरिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग में दिखाई देता है, स्प्रिंग सीजन में, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब शाम को ही दिखाई देगा, 6 बजे से 7-8 बजे तक दिखाई देता है। क्या उसका क्या नाम है, ऊर्षा मेजर, ऊर्षा मेजर है, ठीक है। और फिर एक और स्क्रीन शेयर करते हैं, देखो पेज नंबर 126 उसमें दिया हुआ है ऊर्षा मेजर, ठीक है। This is also known as Great Bear. इसको क्या बोला जाता है, Great Bear. Bear like structure दिखाई देता है, देखने में लगता है। इसको और क्या बोला जाता है, इसका और एक क्या नाम है, Big Dipper. तो इसको क्या बोलोगे, Ursa Major. This is also known as Great Bear. इसको Great Bear भी बोला जाता है और Big Dipper भी बोला जाता है, ठीक है। The two stars at the top of this constellation. अब देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, स्पॉटलाइट दे रहे हैं, देखो यहाँ पे दो स्टार पॉइंट करके है, यहाँ पे ये दो स्टार पॉइंट करके है। द टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ दिस कंस्टिलेशन आर कॉल्ड पॉइंटर्स, ठीक है। जो दो स्टार्स है इसको पॉइंटर्स बोला जाता है। दिस इज बिकॉज द लाइन जॉइन दोस पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ स्पेशल स्टार। अगर इसको तुम ज्वाइन करोगे, इस लाइन को दो स्टार से लेके ऐसे करके ज्वाइन करोगे, तो क्या होगा, वो एक स्पेशल स्टार को डिटेक्ट करेगा, वो क्या है, पोल स्टार, ठीक है। पोल स्टार कहाँ पे रहता है, तुम लोग पहले पढ़ चुके होंगे कि पोल स्टार नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ साइड में दिखाई देता है, उसका पोजिशन कभी भी नहीं चेंज होगा, उसका पोजिशन कभी भी नहीं चेंज हो सकता है, कितने भी रात हो जाए, सीजन चेंज हो जाए, पोल स्टार एक ही जगह पे रहेगा, वो है नॉर्थ डायरेक्शन पे रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो टू स्टार्स हम दिखा रहे हैं, ये टू स्टार्स को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या मिलेगा, दिखाई देगा, टू स्टार्स को अगर अच्छे से तुम ऐसे करके ज्वाइन कर दिए तो ये स्पेशल स्टार्स को डिनोट करेगा, उसका नाम है पोल स्टार, पोल स्टार नॉर्थ साइड में दिखता है, ओके। नेक्स्ट है, some of the other easily recognizable constellation are Orion. Orion एक है, easily recognizable है, ये कहाँ कब दिखाई देता है, winter में, मतलब अब दिखाई देगा, तो visible in winter. और क्या है, Ursa Minor भी है, Ursa Minor को बोला जाता है small dipper, ये है Ursa Minor, ये है Ursa Major, ठीक है। Ursa Minor यहाँ पे हम highlight कर रहे हैं, देखो spotlight दे रहे हैं, ये वाला ऊर्सा माइनर लिखा भी है। ये कब दिखाई देता है, ऊर्सा माइनर स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है। एंड कैशियोपिया, कैशियोपिया कब दिखाई देता है, ऑटम में। तो जब कभी कभी एग्जाम में मैथ्स का फॉलोइंग आ जाता है तो तब तुम लोग देखोगे ऐसे नाम दिया रहेगा और सीजन पूछेगा, ठीक है। ओरियन दिया रहेगा, विंटर दिया रहेगा, इधर ऊर्सा माइनर दिया रहेगा, स्प्रिंग दिया रहेगा, तो तुम लोगों को मैच करना होता है। तो ये अच्छे, या वन वर्ड आंसर भी आता है कि कौन से सीजन में आता है, तो ये अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तक, यहाँ तक तो हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो कंस्टिलेशन क्या है, कोई हमको बताओ, हम पूछते हैं किसी से। अभिनव पटनायक, अनम्यूट योरसेल्फ, डिफाइन कंस्टिलेशन। अभिनव अनम्यूट योरसेल्फ,
मैम कंस्टिलेशन बताओ बेटा, व्हाट इज कंस्टिलेशन? ए कंस्टिलेशन इज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम। यस बोलो। ए कंस्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म सम recognizable pattern or shape in the sky. Very good. और क्या क्या name some constellation? कुछ constellation का नाम बताओ। Ursa Major, Ursa Minor, Orion. Okay, very good. हाँ Orion. Very good. और एक participant कोई बताओ हमको, Anupam. अनुपम अनम्यूट योर सेल्फ। अनुपम अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बता तो, ओरियन कब दिखाई देता है, कौन से सीजन में दिखाई देता है? बोलो ओरियन कौन से सीजन में दिखाई देता है? अनुष्का शंकर अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बोलो, ओरियन कहाँ पे दिखाई देता है, कब, कौन से? यस मैम विंटर में। मैम विंटर सीजन में। विंटर में, हाँ वेरी गुड। और उर्सा माइनर, उर्सा माइनर कब दिखाई देता है? अनुष्का बताओ। स्प्रिंग में मैम, स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रिंग में। ओके वेरी गुड, अब हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब समझ गए हो तुम लोग, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। रुको, पोल स्टार, उसके बाद देखो पोल स्टार है। पोल स्टार क्या होता है, कोई बता सकता है हमको, कोई पार्टिसिपेंट हमको बताओ? पोल स्टार हम पूछते हैं, एक मिनट एक मिनट। मयंक, मयंक अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ पोल स्टार क्या होता है बेटा बताओ? मैम छोटे छोटे स्टार होता है। नो छोटे छोटे क्या स्टार होता है, पोल स्टार कहाँ दिखाई देता है? मैम ओके तुम म्यूट कर लो। अनुष्का सिंह, अनुष्का सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। पोल स्टार क्या होता है? मैम पोल स्टार को हम लोग हिंदी में ध्रुव तारा भी कहते हैं, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, म्यूट कर लो, अब हम पढ़ाते हैं। देखो पोल स्टार क्या होता है, पोल स्टार को सही बताइए अनुष्का, के ध्रुव तारा बताते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में। तो पोल स्टार इज अ स्पेशल स्टार, ये स्पेशल स्टार है एंड प्रेजेंट, यहाँ पे देख रहे हो ना, ये है पोल स्टार, हम स्पॉटलाइट क्रिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये रेड वाला, ये वाले स्टार क्या है, पोल स्टार है, ठीक है। पोल स्टार इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कहाँ पे दिखाई देता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब नॉर्थ साइड में दिखाई देता है, ठीक है। तुम लोग हेमिस्फीयर पढ़े हो ना, हेमिस्फीयर मतलब आधा सर्कल को अगर काट दोगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बॉल को अगर बीच से इक्वेटर से काट दो तो वो हेमिस्फीयर में बढ़ जाएगा, एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा। तो नॉर्थ मतलब क्या है, अर्थ का जो ऊपर वाले हाफ है, हाँ ऊपर वाला जो हाफ है उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार्स, ये स्टार्स क्या है, क्यों स्पेशल है, क्योंकि अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, ये स्टार का पोजिशन कभी भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। कोई भी सीजन आ जाए कुछ भी हो जाए, ये नाइट स्काई में तुमको नॉर्थ साइड में ही मिलेगा हमेशा, तो इसीलिए स्पेशल है। दिस इज सो, क्यों इसे इसका पोजीशन फिक्स्ड रहता है, क्योंकि इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखो यहाँ पे जो अर्थ है, ये अर्थ है, ये रोटेशन एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, ये वाला रोटेशन एक्सिस है, हम बताए थे ना कि रोटेशन किसको बोला जाता है, कि अर्थ जो अपने
एक्सिस पे घूमती है तो उसका एक एक्सिस होता है, फिक्स्ड एक्सिस, उसको बोलेंगे रोटेशन एक्सिस। तो यहाँ पे देख रहे हो रोटेशन एक्सिस के एकदम ऊपर में ही पोल स्टार है, ठीक है। तो दिस इज सो बिकॉज इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन जहां पे अर्थ का होता है ठीक उसके ऊपर में ही पोल स्टार दिखाई देता है, वहां पे उसका पोजीशन है। बिकॉज ऑफ द स्पेशल फीचर्स, इस स्पेशल फीचर्स के वजह से दिस स्टार हैज बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स। तो ये ट्रैवलर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि क्यों यूजफुल होता है ये हमको कोई बताए? अदिति कुमारी क्लास 5B, अनम्यूट योरसेल्फ। तो पोल स्टार का जो रोटेशन एक्सिस पे ही पोल स्टार रहता है तो इसका क्या स्पेशल यूजेस है बताओ? अदिति कुमारी क्लास 5B अनम्यूट योरसेल्फ। अदिति कुमारी नो रिस्पॉन्स। ओम कुमार बताओ। यस मैम। ओम कुमार हाँ बोलो। yes, इसका यूजेस क्या है, पोल स्टार का यूजेस क्या है? मैम पोल स्टार से हम लोग कहीं पे भी मैप से पता चल सकता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। मैप से क्यों पता चलेगा मैम कि नॉर्थ? मैप से नॉर्थ डायरेक्शन, ये पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है। हाँ नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है तो क्या क्या यूज होता है इसका? ये तो हम बता ही दिए नॉर्थ डायरेक्शन पे रहता है, इसका यूजेस क्या है? ट्रैवलर्स के लिए यूज रहता है कि उन लोग को पता करना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन रात में कहाँ पे है। तो वेरी गुड, ओके म्यूट योरसेल्फ। तो क्या होता है इसमें कि हाँ ओके पोल स्टार में क्या होता है, पोल स्टार हमेशा तुमको नॉर्थ डायरेक्शन पे दिखेगा। तो इसके वजह से हम लोगों क्या हम लोग क्या इसका यूज करते हैं कि दिस स्टार्स हैज बीन यूजफुल टू ट्रैवलर्स। हम लोग ट्रैवलर्स लोग क्या करते हैं, ये स्टार को फॉलो करते हैं कि हाँ मतलब इस साइड में है पोल स्टार, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इससे हम लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन पता चलता है, ठीक है। तो पोल स्टार एक क्या है, पोल स्टार एक स्पेशल स्टार है जिसको हिंदी में हम लोग ध्रुव तारा बताते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इसको दिखाई देता है। और दिस स्टार अनलाइक अदर स्टार्स अपीयर टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस। तो ये स्टार कहाँ पे अपीयर रहता है, एक ही जगह पे दिखाई देता है। ये अगर तुम ऊर्षा मेजर को ऐसे करके लाइन को ज्वाइन करके देखो, यहाँ पे स्पॉटलाइट दिखा रहे हैं, ऐसे करके ज्वाइन करके अगर आगे बढ़ाओगे तो वो पॉइंटर, ये इसको पॉइंटर बोला जाता है, पॉइंटर क्या करेगा, पोल स्टार को डिनोट करेगा कि ये पोल स्टार है, ठीक है। हाँ अभी ओल्डन टाइम में ही ये यूज होता था, अभी के जमाने में तो इतना सारा एप्लीकेशन आ गया, नेविगेशन ऐप आ गया है तो हम लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं इधर उधर, हम लोगों को पोल स्टार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ओल्डन मतलब बहुत पहले ओल्डन पीपल ये यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक सब पढ़ोगे अच्छे से। अब बताओ तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो हमको बताओ, अनम्यूट करते हैं। यहाँ तक सब कोई रीड करोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको पूछो। अभी अभी कुछ क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, अनम्यूट कर रहे हैं हम, देखो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम। ओके ओके, एक एक करके अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमको बताओगे, ठीक है। एक एक करके हम क्वेश्चन पूछेंगे, बताना। ओके मैम, पहले सब कोई म्यूट कर लो, हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे। पहले हमको बताएगा नम्रता कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ। नम्रता अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी जल्दी अनम्यूट करो नम्रता, अनम्यूट योरसेल्फ।
जिसका अनम्यूट हो जाएगा यस मैम बोले बोलोगी, नहीं अंकित गुप्ता अनम्यूट करो, अंकित अंकित गुप्ता अनम्यूट करो। पोल स्टार क्या है बताओ, व्हाट इज पोल स्टार? आदित्य कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ पोल स्टार बताओ क्या होता है। पोल स्टार इज अ स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, अनलाइक अदर स्टार्स इट इज हेल्पफुल टू डिफाइन नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज यूजफुल फॉर ट्रैवलर्स। ओके वेरी गुड। अब नेक्स्ट हमको बताओ आदर्श राज, अनम्यूट योरसेल्फ आदर्श राज। यस मैम। हाँ आप बताए हमको कंस्टिलेशन, कंस्टिलेशन क्या है? A group of a star is a constellation. No, a group of star तो constellation थोड़ी बोला जाता है। अच्छे से बताओ हम क्या बताएं? A group of stars which represent the which represent a recognizable pattern. A group of stars that appeared to form some recognizable pattern. Constellation उसी को बोलेंगे जो group of stars तो होगा ही, लेकिन उसको अगर तुम जोड़ोगे तो recognizable pattern बनेगा, ठीक है? Recognizable pattern बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे constellation, ठीक है? Yes ma'am. Okay, mute yourself. Next हमको नैतिक आर्या बताओ, नैतिक आर्या 5B अनम्यूट। नैतिक आर्या यस मैम। हाँ तुम बताओ स्टार क्या होता है, व्हाट इज स्टार? व्हाट इज स्टार? ए सेल्फ ल्यूमिनस क्रिस्टल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या बता रहे हो? अच्छे से बोलो। एवरीबॉडी स्विच ऑन योर वीडियो। स्टार और कौन बोलोगे? सनी कुमार, सनी कुमार अनम्यूट योरसेल्फ। सनी कुमार यस बताओ तो व्हाट इज स्टार? अ स्टार इज अ थिंग ब्राइट इन द स्काई। क्या बोले? स्टार अ स्टार इज अ थिंग ऑफ ब्राइट इन द स्काई। नहीं ऐसे नहीं बोलने से होगा, कौन अच्छे से बता पाओगे? रेज योर हैंड। अनुष्का, अनुष्का सिंह बताओ तो 5B अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह 5B बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। जो है वो युग स्पेयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस हैविंग लाइट ऑफ देयर आंग, खुद का लाइट उनके पास होता है और वो एक ल्यूमिनस बॉडी भी होता है। ठीक है ओके वेरी गुड म्यूट योरसेल्फ। तो ये वाले चैप्टर सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। यस मैम। सब डे टाइम स्काई में क्या दिखाई देता है, नाइट टाइम स्काई में क्या होता है, ठीक है ये पता हो गया ना सबको? ठीक है तो होमवर्क क्या देंगे? होमवर्क ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है, स्टार्स, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करो, ठीक है? जो जो चैप्टर, जो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो पढ़ोगे, ये हम पूछेंगे, ठीक है? और डू यू नो से भी पढ़ना है। अच्छा और किसी को पूछते हम, हिमांशु,
हिमांशु शर्मा अनम्यूट योरसेल्फ. हिमांशु हिमांशु अनम्यूट.